फिल करके दो 10 मिनट में बना लो, और नहीं है तो बना लो। अभी मैं नाम लिखता हूँ, बता देता हूँ।
हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, क्लास में ले रही हूँ, यहाँ लाइन पे है। आज मेरे 5 बच्चे आए हैं। हाँ सर, 5 बच्चे हैं। क्या हुआ सर? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, आज नहीं आएंगे। हमने जो कोई भी आएगी, तो बच्चे आएंगे तो पढ़ाऊंगी, एक भी आएगा तो पढ़ाऊंगी, नहीं आएगा वापस आ जाऊंगी। बच्चे आएंगे सर, 5 हैं अभी, बढ़ जाएंगे, 5 हो गई हूँ। ठीक है सर, ओके। आज लाइट नहीं है ना, इतनी बैठ नहीं हो।
समझा दे रही हूँ, आप उसको ऐसे मत दे, ठीक है? देखो अभी मैंने अक्षांश बताया, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 3.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, और उससे ऊपर कौन सा है आपका कॉन्टिनेंट? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से कौन सा फर्क जा रहा है? 3.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 3.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में क्या रहता है? तापमान हमेशा उच्च रहता है। और यहाँ पर क्या है, विषुवत रेखा के पास है, तो वहां पर कैसे होगी विषुवतीय जलवायु पाई जाएगी, ठीक है? अभी मैं समझाती जा रही हूँ, यहाँ पर कौन सा जलवायु पाएगी? विषुवतीय विषुवत रेखा के पास क्या होता है? तापमान सर्वाधिक होता है। तापमान सर्वाधिक होने के साथ साथ क्या होगी, यहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होगी, कम होगी? तापमान ज्यादा होगा तो गर्मी ज्यादा पड़ेगी, गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, यानी कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कैसी हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। अब जलवाष्प की मात्रा अधिक होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर वर्षा भर क्या होगा, वर्षा भर क्या पाया जाएगा? पानी, यानी कि वर्ष भर जल वर्षा होती रहती है। यही कारण है कि अमेजोन, सुना है अमेजोन का नाम सुना है? वो अमेजोन नहीं, ऐप वाला अमेजोन नहीं, अमेजन क्या है? अमेजन बेसिन या अमेजन नदी घाटी, ठीक है? अमेजन नदी घाटी और अमेजन बन भी सुना है? दुनिया का फेफड़ा किसको कहते हैं, जिसका फेफड़ा किसे कहते हैं? अमेजन वन को कहते हैं। अमेजन वन में कौन से पाए जाते हैं? उसको कहते हैं सेल बास, यानी कि सेल बास वन पाए जाते हैं। जैसे अपने क्या कहते हैं, तटीय क्षेत्र में कौन से पाए जा रहे हैं? सुंदरबन डेल्टा मैंग्रोव पाए जाते हैं ना, ऐसे वहां पर लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं उसको? सेल बास वन, सेल बास क्षेत्र के है ना, सेल बास प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसके अंदर उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेल बास क्षेत्र। और सेल बास क्षेत्र कहाँ पर है? अधिकतर अमेजन की खाटी के पास, अमेजन यानी कि अमेजन जो नदी आ रही है उसका जो वन क्षेत्र है, वहां पर कौन से पौधे पाए जा रहे हैं? सेलवास क्षेत्र, सेलवास क्षेत्र यानी सेलवास वन पाए जा रहे हैं। और सेलवास वन में ही एक लकड़ी का नाम है बालूसा, ये विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है। लड़की को नहीं लिखे मैं लकड़ी, विश्व की सबसे हल्की लकड़ी का नाम है बालूसा, जो कहाँ पाई जाती है? अमेजन के जंगलों में। और इन लकड़ी का काम होता है नौका बनाने में, नौका यानी कि नाव। यस, चलो लिख ली थी बात, अब मैं बात बना लेना, पहले सुनो सुनो। यहाँ पर आपका देश पड़ता है बोलिविया, कौन सा? बोलिविया क्या है? बोलिविया तो यहाँ है, बोलिविया का पठार नाम भूल जाते हैं। चलो अभी छोड़ो, ये क्या है? ब्राजील का क्षेत्र है, ठीक है? ब्राजील के क्षेत्र में जो घास मैदान पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? कैंपास, ठीक है? पेरी कहाँ पर पाए जा रहे हैं? अमेरिका में। ब्राजील में कौन से घास मैदान पाए जा रहे हैं? कैंपास, ठीक है? अब ये ब्राजील का जो तटीय क्षेत्र है, ये है ब्राजील की उच्च भूमि, क्या है? ब्राजील की उच्च भूमि, और ये है ब्राजील का पठार। ब्राजील में जो पठार बन रहा है उसको किसके नाम से कह रहे हैं? ब्राजील का पठार। और ब्राजील की जो भूमि उच्च है उसको क्या कह रहे हैं? ब्राजील की उच्च भूमि। ये है गुआना, ये गुआना का क्या है? गुआना का पठार। फ्रेंच गुआना का है एक देश है, फ्रेंच गुआना के अंदर क्या है? पठार है, जिसको हम कह रहे हैं गुआना का पठार।
लेक टिटिकाका बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पर है, बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पे, और ये विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है। देख लो ऐसे लिखिए ना, जैसे झील का नाम लिखोगे लेक टिटिकाका, उसके आगे अवस्थिति कहाँ है इसकी, बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पर, सीमा रेखा, ठीक है, सीमा रेखा लिखो ऐसे, बिल्कुल सूत्र सीमा रेखा पर अवस्थित है, और ये विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है, बोलिविया और पेरू, बोलिविया और पेरू। चिकुला चिकुला
मेरे फील्ड के नाम अच्छे नहीं है। आपको पता है वहाँ के लोग हम लोगों का नाम भी नहीं ले पाते हैं। कैसे लगे स्वामी विवेका अनंद विपुल नाम तोड़ के रख दिया था। ओहो ये कैसे बंद करें, ये बंद करो लव मार लिख लिया। कहाँ तक पहुंच गए? ये काम कब हुआ? ये क्या है? एंडीज की कह लो या फिर पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? एकांका गोवा। और कहाँ पर है? चिली। ठीक, अब ये है ओजोस पर्वत, ये भी कहाँ है? चिली में, मतलब चिली में आ रहा है। और कौन सी है? एंडेज स्वीडन में आ रहा है। और ये भी क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है, पर कैसा है? निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत। और विश्व का सबसे ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है? ओजोस। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? फोटो वैक्सीन। कहाँ है? इक्वाडोर में। हाँ अच्छे हो गए, बहुत अच्छा हो गया आज। अर्जेंटीना में ही पाया जा रहा है ग्रान चाको का पठार और ग्रान चाको के मैदान। कैसे चिंगलोटे बनाते हैं? और यहाँ लिख लो बोलीविया पठार, कहाँ पर है? बोलीविया में। अच्छा, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा बताया था? ब्राजील। दक्षिण अफ्रीका में और दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण अमेरिका में दो स्थलभूत देश हैं, कौन कौन से हैं बताओ? स्थलभूत देश कौन से होते हैं जिनकी कोई बॉर्डर समुद्र से नहीं लगता है? जैसे अपने यहाँ कौन सा? नेपाल है, नेपाल के पास अपना समुद्र नहीं है। भूटान है, भूटान के पास अपना समुद्र नहीं है। ठीक है, ऐसे देश क्या कहलाए जाते हैं? स्थलभूत देश, यानी कि जिनके पास समुद्र नहीं है। अभी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई देश नहीं था जिसके पास अपना समुद्र ना हो। बोलिविया है। हाँ, और रशिया है, पराग्वे और उरुग्वे है ना। उरुग्वे तो है और पराग्वे के पास अपना कोई क्या नहीं है? समुद्र नहीं है। और दूसरा हो गया आपका बोलिविया। ये दो देश ऐसे हैं जिनके पास अपना समुद्र नहीं है, यानी कि दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में दो देश जिनके पास अपना समुद्र है। तो स्थलभूत देश का नाम लिख लो, दक्षिण अमेरिका के स्थलभूत देश। और आगे और बोलिविया। जैसे जनसंख्या में हम लोगों के पास क्वेश्चन आते हैं तो पूछा जाता है सबसे अधिक नदीकृत देश कौन सा है ना। मतलब अपने इसके इंडिया की बात करते हैं तो सबसे नदीकृत राज्य पूछा जाता है या नदीकृत जिला पूछा जाता है। ऐसे क्या है? ये उरुग्वे है ना, दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक नदीकृत क्या है? देश है। नदीकृत क्या हुआ? शहरीकरण में।
हाँ याद कर लो ये सब चीजें। अटलांटिक अटलांटिक ना इधर पैसिफिक साउथ पैसिफिक साउथ अटलांटिक ठीक है। साउथ और नॉर्थ दोनों ही है इसके पास। और यहाँ भी ऐसे क्या है आपका साउथ पैसिफिक, हाँ साउथ और नॉर्थ दोनों ही हैं। और दक्षिण में क्या है अंटार्कटिका, आर्कटिक के ऊपर है अंटार्कटिका ठीक है। और यहाँ पर कौन सा बताया कैरेबियन, लिख दो अच्छा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अधिकतर जलवायु कैसे पाई जा रही है, उस कटिबंधीय क्षेत्र में इसका अधिकतर विस्तार है। यहाँ पर जलवायु कैसे पाई जाएगी, विषुवतीय और उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी। नदियों की बात करते हैं, एक नदी बता दे रहे हैं, बाकी नदियां इसमें बाद में बताएंगे तो नदियां पड़ेंगी। अमेज़न नदी यहाँ की क्या है एक, जैसे कनाडा की बताई थी सेंट लॉरेंस, अमेरिका की बताई थी मिसिसिपी में मिसौरी, यहाँ पर ऐसे इसकी क्या है सबसे मूल्यवान नदी कौन सी है अमेज़न है, अमेज़न अमेज़न से याद कर लेना। अमेज़न नदी क्या है यहाँ की सबसे फेमस। अच्छा विश्व में सबसे बड़ी नदियों के नाम, सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व में, नील नदी। और अमेज़न का जो नाम आता है किस बात में आता है, वो अमेज़न का आता है जल प्रवाह, यानी कि जल का जो लेवल कितना जल अपने अंदर रख सकती है ठीक है। जल प्रवाह की दृष्टि से अमेज़न क्या है सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी। उसके बाद आप क्या आती है जायरे नदी, जायरे नदी कहाँ की है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। ऐसे लिखो विश्व में सर्वाधिक जल धारण क्षमता अमेज़न, अमेज़न नदी ठीक है। अच्छा अमेज़न नदी अपना जो पानी है यानी कि जल कहाँ गिराती है, किधर से किधर की ओर बह रही है, उत्तर से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से पूरब, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब। अमेज़न नदी यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ अपना जल गिरा रही है आपके कैरेबियन सी में ठीक है। आपसे पेपर में ये पूछा जाता है नदी का उद्गम और नदी का मुहाना, मुहाना कहाँ बनाती है, तो जब भी कोई नदी पढ़ो तो उसका उद्गम और उसका मुहाना क्या करोगे दिमाग में रख करोगे। हाँ ये नदी डेल्टा बनाती है, डेल्टा देखो वो नदियां नहीं बनाती है जो नदी ऊपर से गिरती है ठीक है, वो एस्चुरी बनाती है। जब नदियां पढ़ाऊंगे तो डेल्टा क्या होता है वो बताऊंगी और एस्चुरी क्या होता है वो भी बताऊंगी। हो गया ये बना कुछ रह गया उसमें, जैसे कि अपने भारत से जो है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है नदियाँ अरब सागर में गिरती है वो एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। पूरब से पश्चिम जो गिर रही है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ अधिकतर क्या बनाती है एस्चुरी, क्योंकि वो पठारी क्षेत्र से निकल के कहाँ जाती है एकदम जमीन पर, और जमीन पर गिर के वो विसर्ग करने लगती है, गिरी और विसर्ग करा तो एस्चुरी बनाती है ना कि डेल्टा। डेल्टा वो नदियाँ बनाती है जैसे गाद लेके आती है और तटीय क्षेत्र में छोड़ के अपनी वितरकाओं मतलब कई वितरकाओं में बट जाती है, वो डेल्टा। हो गया बेटा इसमें कोई दिक्कत, सारी नदी क्लियर हो गई, जो जो मेन आ रही है पेपर में वो बता दी गई है। अब अमेरिका उसका बना लो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का बना लो, बना लोगे। अब देखो अभी आपको इसमें पठार, घास के मैदान और मरुस्थल ये बता दिए ठीक है। और दूसरी बात अब आपकी क्या रह गई है, नदियां रहती हैं, नदियां अगले वाला चैप्टर मतलब ये कॉन्टिनेंट खत्म हो गए आपके, उस वाला जो चैप्टर पढ़ाए जाएंगे तभी नदियां पढ़ाई जाएगी, तभी क्या करूँगी हर देश की मतलब हर कॉन्टिनेंट की आपको मैं बता दूंगी नदियां, उसी में देश की आ जाएंगी ठीक है। और तीसरी बात क्या रहेगी, इसी में आपके उद्योग धंधे आते हैं तो उसको
क्षेत्र बताए जाते हैं वो भी आपको क्या बताया जाएगा, मैपिंग के थ्रू ही बताया जाएगा। अभी जैसे मैंने इसका एग्जांपल दिया था सेवास क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं, तो ये जब आपका वेरिफिकेशन पढ़ाऊंगे उस समय आएगा। है सब कुछ बढ़िया, क्या है धीरे 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 करके जलवायु जब पढ़ाऊंगी तब आपको कॉन्टिनेंट की जलवायु बताऊंगी। ये अच्छा कल नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट बना होगा ना, उस पे अपलेशियन की हाईएस्ट पीक लिखो मिचेल, हाईएस्ट पीक है मिचेल, माउंट मिचेल। और अलास्का के पास जो सीढ़ी, एक ये अलास्का सीढ़ी बनाई थी, वैसे ऐसे ब्रुक सीढ़ी बनाई थी, फिर अपने क्या करा था अलास्का को काट दिया था, यहाँ पर एक पर्वत बना लो मैकेंजी, मैकेंजी हाँ मैकेंजी, एक मैकेंजी और एक कौन सी बताई थी इसकी सर्वो छोटे निकल ले जिसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैकेंजी है मैकेंजी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर आ रखी है अपनी आगे कनाडा में, ऐसे बनाना जैसे मैंने बताया इसी कुछ में मैकेंजी। ये लास्ट बता है यहाँ पर ऐसे सुन बना हाँ मैकेंजी। कोई बात नहीं लेकिन प्रिय वो करवा लाना है तो यार Thank you.
जी ये वाले मनुष्य का नाम बताओ। ऐसा करो, ज्यादा एक साथ बनाते हैं तो विस्तृत हो जाते हैं ना। पहले पर्वत बता रहे हैं, मरुस्थल बता रहे हैं, फिर इसको रब करके फिर झील बता दूंगी। बोलो ठीक है। पिच पिच इजिप्ट के पास कौन सा आता है? कोई बात नहीं, क्वालिटी वाला है, क्वालिटी।
रुपया का 18 महीना की, ये कहाँ पढ़ने आ रहा है? यहाँ बनाओ इथोपिया का, यहाँ बनाओ आपके देखो, यहाँ बनाओ बोत्सवाना है, ये वाला ये बोत्सवाना है, यहाँ पर काला खा लेंगे, और नामीबिया ये है, यहाँ पर बनाओ नामीबिया, ये अंगोला है, ऐसे बनाओ भैया की लड़ना है आपस में, और लड़की का इतना भी राज है, लड़ गए दो, चलो बनाओ इसको। आगे भैया ने बनाओ भाई, अरे जा जी के लिए अफ्रीका को, और यहाँ पर क्या है,
नहर। अच्छा नहर का काम क्या होता है ये मुझे बता दो, दो स्थल खंडों को अलग करना, अगर नहरों का पुल बनाते हैं तो जोड़ के तो देंगे yes, है ना। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं स्वेज नहर क्या कर रही है, लाल सागर और भूमध्य सागर के जल को क्या कर रही है, मिला रही है, साथ ही साथ एशिया को अफ्रीका से अलग भी कर रही है और इसके भूखंड को आपस में जोड़ती जोड़ती कैसे ब्रिज बना लो तो क्या है जुड़ जाएगा। ठीक है मिस्र में ये क्या है आपका, अच्छा एक ऐसे और देख लो अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है नाम बताओ उसका पहले तो, अल्जीरिया। क्या है एक अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, अल्जीरिया। कौन से क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है और सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश, स्थल अवरुद्ध देश पता चल गया क्या है जिनके पास अपनी समुद्री सीमा नहीं है वो है आपका चाड। चाड मत समझ लेना खाने वाले, चार चीज याद कर लेना कोई बात नहीं है, क्या है यहाँ पर चार, ये क्या है सबसे बड़ा स्थल देश। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में टोटल 54 देश आते हैं, कितने 54। इसका नवीनतम जो देश बना है वो साउथ सूडान बना है, 54। साउथ सूडान बना है किससे, पहले सूडान क्या था एक पूरा देश था, जैसे भारत क्या था एक पूरा देश था, भारत से टूट के कौन से दो देश बन गए 1947 में, पाकिस्तान और बांग्लादेश, मतलब उस समय पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान था। 1971 में फिर क्या हुआ बांग्लादेश एक नया देश बना पाकिस्तान से अलग होकर, क्या गृह युद्ध चला, ऐसे सूडान में चला था क्या 21 साल के गृह युद्ध के बाद 2011 में साउथ सूडान से अलग होकर साउथ सूडान क्या बना एक नया देश बना और इसकी जो कैपिटल है वो जुबा। साउथ सूडान की कैपिटल जुबा, नॉर्थ सूडान की कैपिटल है खार्तूम, क्या है खार्तूम। मिस्र की कैपिटल क्या है काहिरा, साउथ सूडान की जुबा, नॉर्थ की है खार्तूम। अच्छा दक्षिण अफ्रीका में ना एक वो चीज देखो, विश्व का सबसे बड़ा जो क्या है आपका जलप्रपात हेंजेल जलप्रपात वेनेजुएला में बनता है। हाँ पढ़ाते पढ़ाते चीजें याद आती हैं। अब दक्षिण अफ्रीका में देखना वेनेजुएला में विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात हेंजेल जलप्रपात। ठीक है देश लिखिए, जो ईस्टर्न मरुस्थल है इसका विस्तार कहां पर है मिस्र में, मिस्र में ईस्टर्न मरुस्थल का विस्तार कहां पर है मिस्र में। अब ये मैंने बताया ग्रेट सैंड सागर, ये इसको लीबिया का मरुस्थल भी कहते हैं यानी कि लीबियाई मरुस्थल, दूसरा नाम लिख लो लीबियाई मरुस्थल। ये मिस्र और लीबिया के बॉर्डर पर है। मिस्र और लीबिया के बॉर्डर पर है। अगला लिख लो ये एटलस माउंटेन है,
ये क्या है, एक बलि पर्वत है जिसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, मोरक्को अल्जीरिया टूनिसिया, मोरक्को अल्जीरिया टूनिसिया। एटलस पर्वत क्या है, एक बलि पर्वत है और इसका विस्तार मोरक्को, मोरक्को का कैपिटल रबात, अल्जीरिया की अल्जीरियस, और एटलस की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है जेबेल टूफॉल, टूफॉल। यहाँ ऐसे बना दे रही हूँ, सबसे ऊंची चोटी को ऐसे कोट दे रही हूँ मैं, मतलब उसको डार्क कर दे रही हूँ। और ये देखिए कि मैंने यहाँ बनाए तो यही होगी, ठीक है। कौन सा बताया था, क्या नाम बताया था, जेबेल टूफॉल। ये क्या है, हाईएस्ट पीक है, जैसे आपके हिमालय रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एवरेस्ट। एंडीज की अभी पढ़ाया है, एंडीज अभी पढ़ा के रखी हूँ मैं। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगकागुआ। देखो याद करने का तरीका, सुनते जाओ। एक ऐसे हिंट दे दे रही हूँ, आप जब ये बना रहे हो तो अपने ए ही बनाते हैं, ए बनाते हैं और एक ऐसे भी बना लेते हैं हम लोग, बनाते हैं तो एंडीज क्या है, एंडीज में सबसे बड़ी एकांकवा ऊंची पर्वत श्रेणी, ठीक। और अभी कौन सा चैप्टर पार्ट बताया, एंजेला। अब दक्षिण अमेरिका का जो मैप है लगभग कुछ ऐसे ही बनता है ना, ऐसे तो हम श्रेणी बनाते हैं उसकी, बनाते नहीं तो ये ए बन के आता है, ये ए से मतलब एंडीज श्रेणी, एंडीज श्रेणी में एकांकवा सबसे ऊंची चोटी है और एंजेला सबसे क्या है, ऊंचा जलप्रपात, ठीक है, याद रहेगा। कहां पर पहुंचे, सहारा मरुस्थल, विस्तार क्या है, सबसे बड़ा मरुस्थल, शुष्क है कि ठंडा है, हाँ क्या शुष्क लिख रहे हो, गर्म गर्म लिख रहे हो। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, और ये क्या है, सबसे शुष्क है। अच्छा मैडागास्कर के बारे में एक पॉइंट लिख लो, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मैडागास्कर होगा, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, हिंद महासागर है, जबकि विश्व में मैडागास्कर, ग्रीनलैंड और आपका नाम हो जाते हैं यहाँ पर, बोर्नियो, बोर्नियो के बाद तीसरा, ये आपका तीसरा था, विश्व में तीसरे नंबर पर है और हिंद महासागर में पहले नंबर पर है, ठीक है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मैडागास्कर, और विश्व में इसका स्थान कितना है, तीसरा, किसके बाद, सबसे नंबर पर में ग्रीनलैंड, दूसरे नंबर पे बोर्नोई, तीसरे नंबर पर निप्पा पर्वत श्रेणी, कांगो गणराज, कांगो गणराज क्या है, टोंगा, घना आदि देशों में क्या इसका विस्तार है, टोंगा, घना, टोंगा, घना, गुआना, एक है फ्रेंच गुआना, एक खाली गुआना, फ्रेंच गुआना कहाँ पर है, आपके दक्षिण अमेरिका का, गुआना, टोंगा और घना। कैसा
ज्वालामुखी पर्वत है और अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कैमरून। अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कैमरून है और ये कौन से देश में? कैमरून में ही है। नियमित मरुस्थल कहां पर है? नामीबिया, जहां से क्या आए थे चीते, कितने चीते लाए गए थे? 8 चीते लाए गए थे नामीबिया से। लिख लो, वैसे तो तुम्हें याद रहेगा पर जहां पर ऐसे मत लिखो, तो जहां पर ये लिखा है ना रेगिस्तान, वहां पर देश का नाम लिख लो नामीबिया। डिकन्सबर्ग पर्वत इसका विस्तार साउथ अफ्रीका में है। डिकन्सबर्ग पर्वत साउथ अफ्रीका, माउंट लेबंगो इसकी सर्वोच्च चोटी है। माउंट लेबंगो, लेबंगो ऐसे ऐसे नाम है क्या कहें। हम बात कर रहे हैं किलिमंजारो की। तंजानिया में स्थित है, कहाँ है? तंजानिया देश में स्थित है किलिमंजारो, और ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जो वर्ष वर्ष क्या रहती है, वर्ष भर हिम आच्छादित रहती है। इसकी विशेषता है, विश्व की नहीं है, यहाँ की है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है, और कहां पर है? केन्या, वो केन्या तंजानिया, तंजानिया देश में है, और ये वर्ष भर क्या कहते हैं? हिम आच्छादित। हिम आच्छादन का पूरा कारण बता दिया था, क्यों उस दिन बताया था याद है किसी को? तंजानिया। एक ऊंचाई तक, एक ऊंचाई के बाद तापमान जो है गर्मी लगता है, गिरने लगता है, और इसकी लंबाई उस ताप उस ऊंचाई से अधिक है, अधिक है, यानी कि हिमरेखा है ना। जैसे आप पर्वत देखते हो हिमालय पर्वत के ऊपर पर चोटियों पे बर्फ दिखती है, जबकि नीचे नहीं होती है। कारण क्या है? जो उसकी चोटियां होती है ना, वो हिमरेखा को क्या कर देती है? क्रॉस कर दी होती है। ऐसे किलिमंजारो क्या है? अब देखो मैंने क्या बताया था, तीनों रेखाएं कर्क, मकर और विश्व इससे गुजर रही है, और ये विश्व के क्षेत्र क्या होते हैं? सबसे ज्यादा गर्म होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? तापमान बहुत ज्यादा होता है। इतने तापमान में भी किलिमंजारो में क्या है? बर्फ पाई जा रही है। कारण क्या है इसका? हिमरेखा से ऊपर होना। अब है केन्या पर्वत, ये केन्या में है। केन्या, केन्या देश के नाम पर है। केन्या पर्वत अवस्थित इसकी केन्या में है, और ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दूसरे नंबर का, पहले नंबर का किलिमंजारो, दूसरे नंबर का केन्या पर्वत। नूबियन मरुस्थल इथोपिया में अवस्थित है, इथोपिया। अच्छा आपसे पूछा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश शामिल होते हैं? अगर आपसे ऐसे कभी पूछा जाए क्वेश्चन हॉर्न ऑफ अफ्रीका में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है, क्या है? नहीं है, बताओ कौन कौन सा शामिल है।
जिबूती, यहाँ पर एक देश है जिबूती, यहाँ पर है सोमालिया और यहाँ पर है इरिटिया। ये तीन देश हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित हैं, इरिटिया, जिबूती और सोमालिया। नाम लिख लो, जो पॉइंट में लिखवा रही हूँ वो परीक्षा की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ऐसे लिख दिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित देश, पूरी लाइन ऐसे देखो, सोमालिया, जिबूती, जिबूती या जिबूती या जिबूती, जिबूती, हाँ जिबूती है, जिबूती है, कहीं जिबूती लिखा हुआ नहीं, जिबूती लिखा। और इरिटिया क्या बताया था, इरिटिया, हो गए सारे पर्व पठार। यहाँ पर आप एक आपका देश है ऐसे बनाया हुआ है, इथोपिया, इथोपिया का पठार यही बनाओगे अपना, बनाओ इथोपिया का पठार, नीरू का पठार, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बेजी। ये बना लिया ना, काला हरी मरुस्थल, मरुस्थल पढ़ा दिया, काला हरी मरुस्थल, बोत्सवाना, अभी पठार पढ़ाया था ना, काला हरी मरुस्थल, बोत्सवाना, बोत्सवाना, बोत्सवाना भी क्या है, एक लैंड लॉक देश, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जिम्बाबिया, ये क्या है आपके लैंड ऑफ देश हैं। रवांडा हो गया, किगाली हो गया, रवांडा, अच्छा रवांडा की कैपिटल है किगाली, बरुंडी, रवांडा, ये सब क्या है आपके स्थल अद्भुत देश हैं। चार्ट सबसे, जिसमें कि चार्ट को मैंने बताया, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थल अद्भुत देश, ये निकले कालाहारी बोत्सवाना। यहाँ पर पठार बना दो, पठार को मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ, खाली पेन रख रही हूँ, ठीक है, कटप्पा नाम सुना है, हाँ मैंने इसको ऐसे याद करा था, कटप्पा से कटंगा पठार, इथोपिया का पठार, नेहरू पठार, बताओ जोश कैसा है आप लोगों का, ठंडा जोश पठार,
वायु का बटका। ये सारा मस्त बता दूं देखो पठार सारे याद करने पड़ेंगे इसमें ना कुछ सारा नहीं आता। हाँ हाँ सारा मरुस्थल में कौन सा मोटे कितने गंदे नाम गंदे नाम ये देखो क्या सही है दरार पड़ी
8 हो गया, तो ये एक सीधी रेखा में है। विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करें कौन सी है? अंतर समझ लो। देखो अगर सबसे बड़ी मीठी पानी की झील की बात करें तो आपकी सुपीरियर चाहिए। विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील सुपीरियर, ठीक है। विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील कैस्पियन, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल। विश्व की सबसे बड़ी झील, ना मीठी पूछी हो ना खारी पूछी हो ना कोई क्वालिटी नहीं पूछी हो, तो आपको कौन सा है? लेक विक्टोरिया। आगे बात समझ में? अगर किसी आगे कोई गुण ना लगाया हो, विश्व की सबसे बड़ी झील पूछी हो तो लेक विक्टोरिया आएगी, ठीक है। चलो पहले विक्टोरिया के बारे में लिखो। रानी विक्टोरिया नहीं, लेक विक्टोरिया विश्व की सबसे बड़ी झील। हाँ केन्या, तंजानिया और युगांडा। केन्या, तंजानिया और युगांडा। केन्या, तंजानिया, युगांडा। अच्छा ठीक है सर, पर सर मुझे पूरनपुर भी जाने हैं, है ना। अब ठीक है, जब तक तो मैं वो झील कंप्लीट कर रही हूँ, जैसा मेरा झील कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर, ठीक है। जब तक आप आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। विक्टोरिया झील, ये पहले देखो, अब कल मैंने बताई थी आपको कौन सी बताई थी, ग्रेट बियर लेक, उसकी क्वालिटी मैंने क्या बताई थी? कुछ तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताया था, जो महत्वपूर्ण पॉइंट बताया वो याद रखा करो बेटा, एग्जाम में यही चीज पूछ जाएगी। उससे क्या निकलता है आपका आर्कटिक व्रत, यानी कि 66.5 डिग्री क्या कर रहा है, 66.5 डिग्री व्रत निकल रहा है किससे, आपके ग्रेट बियर लेक से। ऐसे ही यहाँ से निकल रहा है विक्टोरिया लेक से आपका इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश निकल रहा है, ठीक है। क्या है, भूमध्य व्रत या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या विषुवत व्रत किससे निकल रहा है आपके? विक्टोरिया लेक से। क्वालिटी लिखते जाओ। और इसी से आपकी नील नदी का उद्गम क्या है? नील नदी का उद्गम यही आपकी विक्टोरिया लेक है। और नील नदी अपना जल ग्रहण कर रही है भूमध्य सागर में। हालांकि ये तो क्वालिटी जब नील नदी पढ़ाऊंगी तो उनकी क्वालिटी अलग बताऊंगी। और नील नदी पे ही आपका क्या बना है? आसवान बांध बना है। मिस्र की राजधानी क्या है? कायरा। आप सिर्फ अभी झील के बारे में लिखो, नदी के बारे में मत लिखो। ठीक है, आप सुनते जाओ। इधर देखो, विक्टोरिया झील के दक्षिण में आओ, ये आपको लेक कितनी है, इस लेक का नाम है टंगानिका। नहीं टंगानिका, अभी उसके क्या होता है, हाँ टंगानिका, ठीक है, वो टिटिका था और ये टंगानिका। लिखो, अभी मैंने बताया था विश्व की सबसे गहरी झील नाम बैकाल, ये दूसरे नंबर की झील है। विश्व की सबसे गहरी झील किसके बाद? दूसरे नंबर की झील है टंगानिका, सब दूसरे नंबर की झील बैकाल के बाद। ऐसे लिखा तो तुम्हें याद रहेगी, विश्व के दूसरे नंबर की गहरी झील, सबसे गहरी झील टंगानिका बैकाल झील के बाद। अच्छा, ये वाटर टेस्ट किसका कराओ कर रही है, देख लो।
रिपब्लिक, क्या है कांगो रिपब्लिक, कांगो रिपब्लिक, जिम्बाब्विया, ये आपका जिम्बाब्विया और ये आपका जिम्बाब्वे, कांगो रिपब्लिक, जिम्बाब्विया और तंजानिया। तंजानिया के बाद है रवांडा और रवांडा, चार देश है कांगो रिपब्लिक, जिम्बाब्विया, तंजानिया और रवांडा, चार देशों की सीमा पर क्या है अवस्थित है, और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे गहरी झील है, किसके बाद बैकाल के बाद। तीसरी झील का नाम है मालवी, तीसरी झील है मालवी, मालवी झील जो है तंजानिया, मोजाम्बिक और मालदीव, मालदीव देश तंजानिया और मोजाम्बिक की सीमा पर है। अब देखो कैसे, इधर देखो ये झील है, देखो काला काला बना दिया ना मैंने, ये क्या है झील है, कौन सी मालवी झील, इस झील के पश्चिम में मालवी देश है, इस झील के कौन सा चला जाएगा ये पूरब और उत्तर, उत्तर पूर्व में आपका तंजानिया है और ये दक्षिण, और ये वाला जो दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पूरब में कौन सा देश है मोजाम्बिक, ऐसे समझ लो ये झील ऐसे बनी हुई है, ठीक है, ये जो देश आ रहा है ये मालवी है, ठीक है, मालवी, हाँ मालवी, मालवी भी मालवी उसी देश के नाम पर झील का नाम रखा है मालवी, और ये है आपका तंजानिया, तंजानिया देश, और ये आपका है आपका मोजाम्बिक, आगे बात समझ में, ये मोजाम्बिक देश हो गया, ये तंजानिया हो गया, ये मालवी, और ये जो झील है ये क्या है मालवी झील। अगली लिख लो चार्ट, चार्ट झील, चार्ट 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 है, देखो नाम से पता चल रहा है इसका एक देश कौन सा होगा, चार्ट ही होगा, ठीक है। दूसरा ये झील है देखो नाइजर, ये देश क्या है नाइजर, नाइजर के बाद नाइजीरिया, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरा, कैम रून, कैमरून में भी क्या बताया था, कैमरून देश में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अफ्रीका महाद्वीप का है कैमरून में, और चार की सीमा किससे लग रही है नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून और चार, लिख लो, और दिशाओं में बताऊं, अगर दिशाओं में समझना चाह रहे हो, ये क्या चीज है चार चीज है, ठीक है, इसके इधर है ये देश है चार, और ये जो देश आ रहा है क्या रूम, इधर जो देश आ रहा है नाइजर, नाइजीरिया और नाइजर, पूरब में, उत्तर पूरब में कौन सा है आपका चार, उत्तर में भी और पूरब में भी, दक्षिण में क्या कौन आया कैमरून, दक्षिण पश्चिम में कौन सा आया नाइजीरिया, और पूरा पश्चिम में कौन सा आया नाइजर, और ये ऊपर दोनों की सीमा क्या मिल रही है उत्तर में, दोनों उसकी सीमा मिल रही है। और कोई झील बतानी है, बोल्टी लिख लो, बोल्टी झील, बोल्टी बोलती हुई झील लिख लो, ऐसे बोलती हुई, बोल्टी बोल्टी झील, बोल्ट वाला, हाँ बोल्ट वाला, बोल्टी बोल्टी झील आपकी घना और टोंगा, घना और टोंगा के क्या है
ऐसे ऐसे गाना और दोगा इंग्लिश में लिखते हैं बी ओ जी ओ घना और दोगा के बीच में बस्ती है कौन सी वोल्टी ठीक है आपकी ये जिले हो गई कंप्लीट आज अब हम कल बात करेंगे लगभग देखो एशिया की तो जिले लगभग आपको पढ़ाए रखी हैं कुछ कुछ कल देखते हैं कोशिश करते हैं कि आपके हो जाए जो